नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। नवरात्र के आठवें दिन मां महागौरी रूप में रहती हैं। इस दिन कंद, फूल, चंद्र अथवा श्वेत शंख जैसे निर्मल गौर वर्ण वाले आठवें विग्रह स्वरूप का भक्त दर्शन करते हैं। मां के स्वरूप की आयु 8 वर्ष की है। उनके समस्त वस्त्राभूषण और वाहन भी हिम के समान सफेद या गौर रंग वाला वृषभ अर्थात बैल है। माँ की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक हाथ अभय मुद्रा में अभय प्रदान करता है और दूसरा त्रिशूल थामे है। दूसरी ओर के एक हाथ में डमरू और दूसरा हाथ वर मुद्रा में रहकर सभी को आशीर्वाद प्रदान करता है। वही शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव के वरदान से देवी को अति गौर वर्ण प्राप्त हुआ। साथ ही माँ महागौरी की विधिवत पूजा करने से सुख समृद्धि धन संपदा के साथ लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। आइए जानते हैं माँ महागौरी का भोग, मंत्र, स्तुति, कवच और आरती। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद साफ और सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। माँ महागौरी की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करने के बाद सफेद रंग के वस्त्र धारण कराएं। माता महागौरी को सफेद फूल अर्पित करें और कुमकुम या रोली से तिलक करें। इसके बाद माँ महागौरी के मंत्रों का जप करें। अंत में माता की आरती उतारें। माँ महागौरी को नारियल की बर्फी और लड्डू का भोग लगाएं, साथ ही नारियल का भी भोग लगा सकते हैं। वही माता को मोगरे के फूल अति प्रिय हैं, इसलिए माता के चरण में मोगरे का फूल अर्पित करें। श्वेत वृषेश समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि माँ महागौरी शुंभ दधियान महादेव प्रमोददा। माँ मनुष्य की प्रवृत्ति सत की ओर से प्रेरित करके असत का विनाश करती है। माँ का ये शक्ति विग्रह भक्तों को तुरंत और अमोघ फल प्रदान करता है। माँ की कृपा से साधक पवित्र एवं अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है और उसे अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।